पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अगले एक हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो राज्य में सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पंजाब में फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए मामले और इससे होने वाली मौतें बढ़ती जा रही हैं। अगर एक हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। फिलहाल पंजाब में 10 अप्रैल तक पाबंदी लागू है और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये पाबंदी और भी सख्त हो सकती है। कोरोना के हालातों पर रिव्यू करने के लिए सीएम ने आज बैठक बुलाई थी। इसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते तक और देखूंगा और अगर फिर भी हालात नहीं सुधरे तो हमें पाबंदियां बढ़ानी होगी। 8 अप्रैल को कोरोना के हालातों पर सीएम मीटिंग करेंगे, उसमें ही सख्ती बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। फिलहाल तो इस पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन भी शहरों या इलाकों में 300 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही उन्होंने लुधियाना, जालंधर, मोहाली और अमृतसर जैसे कोरोना से सबसे प्रभावित शहरों में सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।